हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेरिया हेल्थ कंडीशन के बारे में। काफी टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था पा, जिसमें कि आपको काफी सारे जो हैं कैरेक्टर देखने को मिले थे। उनमें से एक बेहतरीन कैरेक्टर था जो कि अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था, और उन्होंने एक प्रोजेरिया के पेशेंट का रोल प्ले किया था। अगर देखा जाए तो मूवी के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन ने एक 12 साल के लड़के का रोल प्ले किया था जो कि प्रोजेरिया जेनेटिक कंडीशन से सफर कर रहा था। तो उसकी उम्र तो 12 साल की थी, लेकिन उसका जो बाहरी आउटलुक था, जिसे हम फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा एज पर्सन का था। यानी मानो उनको देखने पे लगता था कि वो अपनी उम्र से 5 गुना ज्यादा जो है वो एज्ड हो गए हैं। तो ये जो प्रोजेरिया कंडीशन होता है, ये एक्चुअल में एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जिस इंसान में ये हेल्थ कंडीशन देखी जाती है वो अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का नजर आता है। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई इंसान 12 साल का है तो वो अपनी उम्र से 5 गुना ज्यादा एज नजर आएगा। जैसे कि अगर आपकी उम्र जो है मान लीजिए 17 साल की है, तो आपका जो बॉडी है, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, आपका चेहरा, आपका स्किन, वो सब एक 17 साल के मतलब कि इंसान की तरह नजर आएगा। लेकिन प्रोजेरिया कंडीशन में क्या होगा, चाहे वो इंसान 17 साल का क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस होगी, उसका जो बाहरी लुक होगा, वो कुछ ऐसा होगा मानो कि वो 40 या 50 साल का इंसान हो। तो इसे हम प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं, यानी वक्त से पहले एजिंग शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, राइट? तो देखिए, हमारी बॉडी जो है कुछ इस तरीके से डिजाइन हुई है कि हम पैदा होते हैं, उसके बाद यंग होते हैं, यंग के बाद जो है हमारे अंदर ओल्ड एज आता है। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम पहले अपने चाइल्डहुड में रहेंगे, फिर अपने एडल्टहुड में आएंगे, उसके बाद हम ओल्ड एज में जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम यंग रहते हैं तो हम हेल्दी ज्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनको बहुत सी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, जेनेटिक लेवल पे रीजन है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है धीरे 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 कुछ फॉल्टी सेल्स बन के इकट्ठा हो रहे हैं, वो जब हम एज करते हैं उस टाइम पे वो फॉल्टी सेल्स अपना जो है एक्यूमुलेशन करके इफेक्ट शो करने लगती हैं। इस तरीके से बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर एजिंग होती है। अगर आपको एजिंग को डिटेल में समझना है तो टीचिंग पाठशाला पे इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है कि हमारे में एजिंग कैसे होती है और कौन कौन से हमारी बॉडी में पाथवेज हैं जो हमारे में एजिंग करवाने में हेल्पफुल रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रोल प्ले करते हैं। तो कमिंग बैक टू द प्रोजेरिया, तो जैसे कि हमने बात किया कि प्रोजेरिया एक जेनेटिक कंडीशन है। अब होता यह है कि प्रोजेरिया का जो पेशेंट है, जब वो जन्म लेता है तो वो एकदम नॉर्मल, एक मतलब कि नॉर्मल जैसे एक बच्चा होता है, बिल्कुल उसकी तरह उसका अपीयरेंस रहता है। यानी जन्म के जस्ट बाद ही जो है कोई ये बता नहीं सकता है कि वो प्रोजेरिया का पेशेंट है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, धीरे धीरे वो ग्रोथ फेज में जब जाता है, तो उस टाइम पे उसमें जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं आते हैं। उसी टाइम से जो है आप कह सकते हो कि फर्स्ट सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ ये जो पेशेंट है या ये जो चाइल्ड है वो नॉर्मल चाइल्ड से अलग है। तो आप थोड़ा सा इसके साइंस एस्पेक्ट्स में बात करते हैं कि इसका वजह, मतलब इस डिजीज की जो है वो वजह क्या हो सकती है। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो है बहुत से मतलब कि चेंजेस होते रहते हैं, उनमें से एक है डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज होता है तो आपको पता है ये एक सीवियर डैमेज कहलाता है, और इस डैमेज को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। इसको ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में जो है डीएनए रिपेयर एंजाइम्स अवेलेबल है। तो होता यह है कि अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट डीएनए रिपेयर एंजाइम, अगर जब जब हमारे डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ ब्रेकेज हो, तो डीएनए को अगर रिपेयर कर देती है जब ये एंजाइम, तो हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो होती है। यानी हम मतलब कि ओल्ड एज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं करती है, डीएनए रिपेयर एंजाइम काम नहीं करती है, उनमें एजिंग प्रोसेस जल्दी देखी जाती है। इनफैक्ट जिन लोगों में ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करती है, देखने को मिलता है कि वो लंबे तौर से जीते हैं कंपेयर टू दैट इंडिविजुअल जिसमें कि ये एंजाइम प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है। इस डीएनए रिपेयर से ही मिलता जुलता ये भी डिजीज है जिसे हम प्रोजेरिया कह रहे हैं, जो कि एक रैपिड प्रीमैच्योर एजिंग सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, इसके कॉज होने के पीछे का रीजन बताया गया है एक म्यूटेशन कंडीशन, जिसकी वजह से डीएनए रिपेयर एंजाइम काम नहीं कर पाती है। तो म्यूटेशन होने की वजह से जब डीएनए रिपेयर एंजाइम काम नहीं करती है, तो उस वजह से जो है ये प्रीमैच्योर एजिंग कंडीशन देखने को मिलता है। अब अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में बहुत से फॉल्टी सेल्स जो है वो इकट्ठा होते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं छोटे छोटे ट्रॉमास मिलके एक बड़ा एक्यूमुलेशन करते रहते हैं। और जब हम एजिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पे ये जो छोटे छोटे ट्रॉमा का पूरा एक्यूमुलेशन है वो क्या करता है, दैट मे लीड टू एनी काइंड ऑफ अ म्यूटेशन कंडीशन, जिसकी वजह से डीएनए रिपेयर एंजाइम जो है वो काम करना बंद कर देगी। तो अगर देखा जाए तो इसे हम हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया कंडीशन भी कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है, ये 8 साल के बच्चे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर देखोगे
तो मतलब कि इनकी एज 7 से 8 साल के बीच में है, लेकिन इनका अगर आप फिनोटिपिक अपीयरेंस देखोगे तो ये देखने में ऐसा लग रहा है मानो कि ये बहुत ज्यादा उम्र के बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि इनमें आप देख सकते हैं कॉमन फीचर्स के तौर पे कि इनकी स्किन की जो क्लियरनेस है वो चली गई है, हेयर लॉस हो गया है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और ये नॉर्मल बच्चों की तरह अपियर नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये जो है ये कंडीशन ही प्रोजेरिया का सिम्टम होती है। अब अगर हम बात करते हैं कॉज की, साइंटिफिक कॉज की, तो देखिए होता क्या है। प्रोजेरिया के कॉज होने के पीछे का रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन किस में होता है? म्यूटेशन एक जीन में होता है जिसका नाम है LMNA जीन, ठीक है। ये LMNA किसके लिए स्टैंड होता है? दैट इज इट कोड फॉर दी लमाइन ए प्रोटीन। लमाइन ए प्रोटीन को जो है ये LMNA जीन कोड करता है, और म्यूटेशन इस जीन में होता है। ये जो लमाइन ए प्रोटीन होता है ये एक स्कैफोल्डिंग है जो कि क्या करता है, न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है अलमाइन ए प्रोटीन इज द स्कैफोल्डिंग दैट होल्ड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल टुगेदर। तो उसका काम होता है कि न्यूक्लियस को होल्ड करके रखना। रिसर्चर के द्वारा ये चीज पता चली है कि जब इस लमाइन ए प्रोटीन में डिफेक्ट चला आता है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस को होल्ड करके नहीं रख पाता है और न्यूक्लियस हो जाता है अनस्टेबल। इस इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, प्री मेच्योर एजिंग कंडीशन देखा जाता है जिससे कि हम प्रोजेरिया कहते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, एबनॉर्मल फॉर्म है लमाइन ए का, इसको हम प्रोजेरिन का नाम देते हैं और वहीं से जो है नाम आया है, दैट इज प्रोजेरिया, ओके। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये जो डिजीज कंडीशन है ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती है, बिकॉज देखा गया है कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो ऑब्वियसली लंबे टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज वाई देर इज अ नो केस कि हाँ इसको फैमिली वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है पास किया जा सके। तो अगर देखा जाए इसके सिम्टम के तौर पे, तो जैसे कि बताया गया था क्योंकि इसमें एज कम रहता है लेकिन जो आपकी बॉडी होती है वो एक एज पर्सन जैसी हो जाती है। मतलब कि अगर एक पेशेंट का एज 8 साल का है लेकिन उसकी बॉडी कुछ ऐसी हो जाती है मानो वो 50 या 50 से ज्यादा साल का हो, इसीलिए उसका हेल्थ कंडीशन भी सेम टू सेम वैसा ही होने लगता है, जिसकी वजह से जो है ऐसे पेशेंट बोन लॉस से सफर करते हैं, हार्ट डिजीज से सफर करते हैं। ऐसे पेशेंट में जो हार्ट अटैक होता है उसका रेट काफी ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा इनका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा पुअर होता है, स्किन की इश्यू होने लगते हैं, हार्ट फेलियर का इश्यू होने लगता है। ये सारे सिम्टम हैं जो कि प्रोजेरिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। अब केस यहाँ पे ये आता है कि प्रोजेरिया का पेशेंट जो है कितने लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है, तो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 14 से 15 साल तक ही जो है ये जिंदा रह पाते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में देखा गया है कि 17 से 18 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का केस जो है अभी तक फिलहाल में नहीं देखा गया है। अब अगर हम एक मतलब कि अकरेंस की बात करें, तो नेशनल ज्योग्राफिक न्यूज के अकॉर्डिंग लगभग जो है 250 बच्चे अभी फिलहाल में वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं जो कि प्रोजेरिया कंडीशन से सफर कर रहे हैं। और अगर इफेक्ट की बात करें तो ये मेल एंड फीमेल दोनों को ही इफेक्ट कर सकता है। और अगर अकरेंस की बात करें तो 4 मिलियन बेबीज अगर वर्ल्ड वाइड अगर पैदा होते हैं तो किसी एक के प्रोजेरिया से सफर होने के चांसेस जो है वो देखे जाते हैं। तो आपके सामने एक और पिक्चर में रख रही हूँ जो कि है सैम बर्न्स का। ये भी जो है प्रोजेरिया के पेशेंट थे जिनकी लाइफ पे जो है काफी सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, और इनका जो मतलब सर्वाइवल एज था वो था टिल 17। तो ये 17 ईयर्स तक सर्वाइव किए, और इनके बहुत से टॉक्स भी अवेलेबल है जो कि आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ही वॉज द केस ऑफ प्रोजेरिया पेशेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जानने को मिला होगा कि ये प्रोजेरिया हेल्थ कंडीशन क्या है, मतलब कि इसके होने की वजह क्या है और इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं और क्या इसका क्योर पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि हमने कहा इसका क्योर पॉसिबल नहीं है, इसका अल्टीमेटली फिलहाल में यही रिजल्ट देखा गया है कि इस डिजीज के साथ कोई भी इंसान जो है लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता है, एंड ऑन एन एवरेज मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बताई इस टाइप के प्रोजेरिया पेशेंट की। तो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पार्शल। Thank you so much, everyone. We'll see you soon in the next session.